मैं प्रियंका आप सबका वेलकम करती हूँ अपने ब्लॉग में। तो आज मेरा घर का ब्लॉग नहीं आएगा, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं डेली रूटीन का ब्लॉग करती हूँ, लेकिन आज मैं आई हूँ अपने मायके, बिकॉज मुझे लेना था दवा, जो कि मैं आप सबको बताया था कि मेरा कुछ मेडिकल इशू चल रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा BHU हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है बनारस में, या फिर कहें तो बहुत ही बड़ा है। उसके बाद दवा ववा लेके आ गए थे हम लोग मॉल में, कुछ कपड़ा वगैरह लेना था, तो कपड़ा मैं लेके आई हूँ, आप सबको दिखाऊंगी अगले ब्लॉग में नेक्स्ट वाले। तो यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल है, ये बनारस का V2 मॉल है, जो बनारस से होंगे उन्हें पता होगा। और उसके बाद हम लोग चले गए सेकेंड फ्लोर पर, क्योंकि नीचे फ्लोर वाले पे मुझे नहीं मिल रहा था जो मुझे लेना था। उसके बाद चल दिए हम लोग घर के लिए, मतलब अपने मायके रामनगर, मेरा मायका है। तो यहाँ से ये पुल पड़ता है गंगा जी के बीच में, ये हमारा पुल है बनारस से रामनगर को जोड़ने वाला ये पुल। तो बस निकल लेते हैं, और थोड़ा गाड़ी में यहाँ पे स्लो स्लो ये बोल रही थी चलाने के लिए, क्योंकि अगर तेज़ गाड़ी चलती तो फिर वीडियो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्यों ना आगे से भी ले लेती हूँ। तो धूप भी थी बहुत ज़्यादा, उमस बहुत ज़्यादा आज है, वैसे तो कल बहुत बदरी था लेकिन आज बिल्कुल भी एकदम उमस उमस था। और मैं ये ब्लॉग डालूंगी एक दिन बाद, क्योंकि आज तो मैं नहीं डाल पाऊंगी जिस दिन मैंने बनाया, क्योंकि उस दिन तो मैं मायके से ही शाम को निकली थी, तो टाइम नहीं हो पाया था मेरे पास। तो ये ब्लॉग कल जाएगा, यानी कि 5 तारीख को। तो उसके बाद फिर यहाँ पे अपने रामनगर के बाज़ार में आ गई थी चाट खाने, क्योंकि यहाँ का बहुत ही फेमस मुरारी चाट वाले हैं, बहुत ही अच्छा चाट बनाया था। तो खा के मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग खाए थे, फिर खा के निकल लेंगे हम लोग घर के लिए। तो आप सबको भी दिखाती हूँ, देखिए चाट दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, कुल्हड़ वाली चाट बहुत ही अच्छी होती है। तो आप सब भी अगर रामनगर के होंगे तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कुल्हड़ वाली चाय। तो यहाँ पे थोड़ा सा नींबू डाल दिए थे स्वाद के लिए, बोल रहे थे कि ऐसे अच्छा लगेगा। और उसके बाद ये रहा हमारा किला, जो कि रामनगर का किला है, और थोड़ा सा बीच में शॉर्ट्स का वीडियो आ गया था इसलिए अजीब सा लग रहा था। यहाँ पे देखिए आप सबको दिखाती हूँ, पूरा देखिए अच्छे से दिख रहा है। फिर ठीक सामने से शास्त्री रोड, इसे बोला जाता है शास्त्री रोड, के इस गली में ठीक सामने से मेरा घर पड़ता है। निकल लेती हूँ मैं अपने घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो ये मेरी घर की जो जाती है वो गली है, उसके बाद मैं नहीं सूट कर पाई थी, निकल ली थी घर के लिए, मतलब ससुराल के लिए, और बीच में जो बारिश आई ना कि क्या ही बताऊं। ये यहाँ पे हमारा जो कि टोल है, यहाँ पे हम लोग रुक गए थे और बहुत सारे लोग थे, इतना बारिश हो रहा था ना कि जो बाइक वाले थे वो आगे निकल ही नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेटू बैग ली है, और इसमें क्योंकि ये भी 1 महीने से वहीं पर थी घर पर, तो अपना सारा कपड़ा वगैरह जो भी था ली है। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पूरा पानी पानी भर गया था बहुत, मतलब हम लोग आधी घंटा से ऊपर हम लोग यही जगह रुके थे। तो उसके बाद यहाँ पे अब जाने की तैयारी हो रही है, तो अब चलते हैं क्योंकि बारिश थोड़ी थम गई है। तो अब मिलते हैं आप सबसे कल, क्योंकि आज तो ब्लॉगिंग जाने के बाद मुझसे हो नहीं पाएगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है, अब सारा कुछ करके बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे दिया, क्योंकि आज है उनका स्कूल, तो लंच वगैरह ही दिया था। और बाकी का ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि आज पहला दिन था, तो बहुत जल्दी जल्दी में लेट हो गया था। यहाँ पे इन दोनों को तैयार कर दिया, अब ये दोनों स्कूल के लिए चलते हैं। तो तब तक बने रहिए ब्लॉग में, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर ये दोनों अब चल देते हैं स्कूल के लिए, तो बस रहने देते हैं वीडियो को यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आशा करती हूँ आप एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे, ताकि मुझे आगे भी सपोर्ट मिले अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो तब तक के लिए बाय बाय। और आज मेरे बच्चे जा रहे हैं पहली बार स्कूल, वैसे तो नाम लिख मतलब पहले से एडमिशन हुआ है, लेकिन आज पहली बार मतलब इस जो है सीजन का पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि अभी वो नानी के थी तो स्कूल खुला नहीं था। और यहाँ पर नाश्ते में बनाया था बस कोहड़ी की सब्जी, पूड़ी और आम। तो चलिए बस रहने देते हैं ब्लॉग को यहीं तक, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं कल अपने डेली रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।